गाइस आज से करीबन एक साल पहले मैंने अपने मेन चैनल की कम्युनिटी बॉक्स पर एक पोस्ट करी थी कि मैं करने वाला हूं अपने रैंडम सब्सक्राइबर के चैनल पर 30 डे तक शॉर्ट्स अपलोड चैलेंज एंड आल्सो ये भी कि आई विल पिक वन चैनल रैंडमली फ्रॉम यू पीपल एंड देन फिर होना क्या था, मेरी कम्युनिटी बॉक्स में से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, भाई मेरा चैनल ले ले। अरे भाई मेरा चैनल ले ले। ओ भाई मेरा चैनल ले ले। अरे बेटा मेरा चैनल ले ले। प्लीज 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 भाई मेरा चैनल ले ले। अरे चैनल ले ले। 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 एंड देन फिर रैंडमली उनमें से मैंने एक चैनल पिक करी एंड उस पर मैंने करी 30 डेज शॉर्ट्स अपलोड चैलेंज एंड लगातार 30 डेज तक मैंने उसकी चैनल पर वीडियोस अपलोड की एंड उसकी चैनल पर क्या इम्प्रूवमेंट आया ये आप लोगों को वीडियो के एंड तक देखने को मिलेगा। एंड आल्सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में इस चैनल पर भी अपने रैंडम सब्सक्राइबर के चैनल पर 30 डेज शॉर्ट्स अपलोड चैलेंज करूं एंड अपने सब्सक्राइबर्स के चैनल को वायरल करके दिखाऊं तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना होगा क्योंकि एंड में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतनी खुशी। सो अब चलिए देखते हैं कि हमारे रैंडम सब्सक्राइबर के चैनल पे इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं। सो देन फिर मैंने एक वेबसाइट के जरिए रैंडम सब्सक्राइबर के कमेंट में से एक चैनल को पिक करी एंड पिक करने के बाद मैं उसको इंस्टाग्राम में डीएम करने लगी। सो दो तीन घंटे तक चैट करने के बाद मैंने उससे उसके यूट्यूब पासवर्ड एंड ईमेल ले लिए एंड आल्सो ये भी कहा कि मुझे अगले 30 दिनों के वीडियोस चाहिए अपलोड करने के लिए। सो चूंकि उसके पास ऑलरेडी कुछ वीडियोस थे तो उसने मुझे कुछ सेंड किए एंड आल्सो ये भी कहा कि नेक्स्ट वीडियोस पे एडिटिंग चल रही है, इन्हें अपलोड करने के बाद उनको मैं आपके लिए सेंड करता हूँ। ये भी ठीक है। एंड आल्सो टेंशन नॉट क्योंकि वीडियो के हैंड में मैं आप लोगों को उस चैनल को दिखाने वाला हूँ। सो उस टाइम पर उसके चैनल पर 696 सब्सक्राइबर्स थे एंड व्यूज कुछ ऐसे आते थे। सो 2 जून 2022 को मैंने उस चैनल पर चैलेंज स्टार्ट की। Day 1 तो सबसे पहले मैंने वीडियो के लिए मस्ट टाइटल लिखा एंड देन फिर इसको नॉट फॉर किड करके इसको अनलिस्ट कर ली एंड इसके बाद मैंने इसको अपलोड कर दी एंड इसके बाद यूट्यूब्स में आकर मैंने पूछ रिसर्च कर ली। यूट्यूब्स आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो पूछ रिसर्च करने के बाद हमें बहुत सारे इसके रिलेटेड टैग्स मिल गए तो इन सबको मैंने कॉपी की एंड अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आकर सबको पेस्ट कर ली एंड इसके अलावा मैंने सबको टैग्स में भी डाल दी एंड देन फिर मैंने वीडियो को अपलोड कर दी। सो उस टाइम से लेकर अभी तक उस वीडियो पे जस्ट 45 व्यूज आए हुए हैं एंड आल्सो इसका ऑडियंस रिटेंशन 101% है एंड आल्सो जब उस टाइम पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी इसका ऑडियंस रिटेंशन करीबन 98 से 99 के दरमियान था। सो मुझे उस टाइम पर भी आइडिया हो गया था कि इसका चैनल काफी ज्यादा चलने वाला है तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो पर कुछ और चेंजिंग किए। Day 2 एंड आल्सो मैंने उस चैनल पर सेकंड वीडियो भी अपलोड करी जिस पर जस्ट 14 व्यूज आ गए एंड आल्सो आप लोग इसका ऑडियंस रिटेंशन भी देख सकते हैं जो कि 119% है एंड करीबन उस टाइम पर भी ऑडियंस रिटेंशन 100 के करीब था एंड देन फिर इसके बाद भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी जिस पे 15, 45, 62 कुछ ऐसे व्यूज आए। सो अभी यहाँ पर भी मेरे शैतानी दिमाग की किस्म में एक आइडिया पक गया कि इसके तमाम वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन तो 100 से ऊपर है लेकिन फिर भी दया आखिर व्यूज बढ़ क्यों नहीं पा रहे एंड देन फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसके सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ एंड देन फिर जैसे ही मैंने सेटिंग ओपन की यस आई वाज राइट बिकॉज इसने अपने चैनल पर ना ही कीवर्ड्स डाली थी एंड ना ही कोई कैटेगरी सिलेक्ट की हुई थी। तो जब तक आप चैनल पर कीवर्ड नहीं डालेंगे एंड उसका कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचेगा कैसे। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पर पूछ रिसर्च की एंड वहां से टॉप टॉप चैनल एंड टॉप टॉप सर्चेस को मैंने इसके कीवर्ड में डाल दिए एंड देन फिर इसके बाद आप लोग डिफॉल्ट पे आके एडवांस सेटिंग पे क्लिक की एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऑटोज एंड व्हीकल इसने एक कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है। तो यहाँ से मैंने इसके लिए एजुकेशन कैटेगरी सिलेक्ट की क्योंकि ज्यादातर ये अपने चैनल पर पोएट्री एंड एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस डालता है एंड देन फिर मैंने इसको सेव कर ली। Day 9 सो ये था हमारे शॉर्ट्स अपलोड करने का 9वां दिन जिस पर मैंने वीडियो अपलोड करी जिस पर 38,000 व्यूज आ गए थे एंड लगभग उस टाइम पर 20-25,000 व्यूज तो हाई गए थे एंड इसका ऑडियंस रिटेंशन भी 109% था जिससे 133 सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं अभी तक। Day 12 सो अब ये थी हमारी शॉर्ट्स चैलेंज का 12वां दिन जिस पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी एंड इस पर 51,000 व्यूज आ गए थे एंड आल्सो इसका ऑडियंस रिटेंशन 117% था एंड इससे 151 सब्सक्राइबर मिले हैं अभी तक। Day 16 सो अब ये थी हमारी शॉर्ट्स अपलोड करने का 16वां दिन जिस पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी इस पर 40,000 व्यूज आ गए थे एंड आल्सो इसका ऑडियंस रिटेंशन 114% था एंड इससे 96 सब्सक्राइबर भी मिले थे।
एंड जब कभी भी आपके किसी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 85 से ऊपर हो एंड उस पर व्यूज कम आ रहे हो तो समझ लेना उसकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल या आपके चैनल के सेटिंग में कुछ गड़बड़ है। तो जैसा कि शार्ट चैनल के पिछले दो वीडियोस वायरल हुए हैं एंड उन दोनों का आप लोग चेक करें, इसमें ना ही मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है एंड ना ही उनमें मैंने टैग्स डाला है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई सर्वे, शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड इन दोनों का कुछ भी रोल नहीं है एंड ओनली वीडियो के ऊपर परफेक्ट टाइटल डालो एंड वीडियो विल बी वायरल। डे 19। सो ये थी हमारे शॉर्ट्स चैलेंज का 19वां दिन जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की एंड इस वीडियो पे 100,000 व्यूज आ गए एंड आल्सो इसका ऑडियंस रिटेंशन 108% था एंड इसे 302 सब्सक्राइबर भी मिल गए। फाइनल डे। सो आज हमारा 30 डेज शॉर्ट्स अपलोड चैलेंज का लास्ट दिन एंड इसमें मैंने वीडियो अपलोड की जिसपे 227,000 व्यूज आ गए थे एंड दरअसल इसका ऑडियंस रिटेंशन 114% था एंड इसके अलावा इस वीडियो से 735 सब्सक्राइबर्स भी आ गए थे। सो अब ये उस रैंडम सब्सक्राइबर का चैनल जिस पर मैंने 30 डेज शॉर्ट्स अपलोड चैलेंज रखी थी एंड आल्सो चैलेंज स्टार्ट करने से पहले इसके चैनल पर सिर्फ 600 सब्सक्राइबर थे, पर चैलेंज के बाद इसके चैनल पर करीबन 4,000 सब्सक्राइबर आ गए एंड आल्सो यहाँ पर लास्ट 28 डेज में जो 187 व्यूज ली हुई है एनालिटिक उस टाइम का नहीं बल्कि अभी का है, बिकॉज मेरे 30 डेज शॉर्ट चैलेंज के बाद इसने अपने चैनल पर जस्ट 2 वीडियोस अपलोड किए एंड 8-9 महीने से इसने शॉर्ट्स वीडियो डाला ही नहीं है, बिकॉज 4,000 सब्सक्राइबर को देखकर इसकी फोकस लॉन्ग वीडियो पर गई एंड फिर इसने जस्ट 2 शॉर्ट अपलोड करके लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। सो दैट्स व्हाई इसके व्यूज डाउन होना शुरू हो गए। सो अब चलिए देखते हैं कि हमारे चैलेंज के टाइम ग्राफ में कितना चेंजेस आया। सो आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई तक ग्राफ देख सकते हैं जो कि बिल्कुल नीचे के जाने वाले एंड जब जून में हमने इस चैनल पर चैलेंज स्टार्ट की तो आप लोग ग्राफ देख सकते हैं कि एकदम से स्ट्रेट ऊपर की जानब कितना परसेंट का है एंड आल्सो जून, जुलाई एंड अगस्त तक इस चैनल पर 13,000 व्यूज आए हुए हैं एंड इसके लाइफ टाइम व्यूज 14,000 से भी ऊपर है एंड फिर इसके बाद मैंने उसके चैनल को हैंड ओवर कर दी। एंड अगर आप लोगों में से कोई पुशी लवर है तो उस चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सो अब फाइनली मैं अपने इस चैनल पर भी सोच रहा हूँ कि एक रैंडम सब्सक्राइबर के चैनल पर 30 डेज शॉर्ट्स अपलोड चैलेंज रखूँ एंड आल्सो अगर आप लोग इससे एग्री है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें एंड फिर मैं आप लोगों की कमेंट में से रैंडमली किसी का चैनल पिक करूंगा एंड उस पर मैं करूंगा 30 डेज शॉर्ट्स अपलोड चैलेंज। सो डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट एंड आल्सो इससे पहले भी मैंने एक 90 डेज शॉर्ट्स अपलोड चैलेंज करी थी तो उसे देखने के लिए स्क्रीन पर एक वीडियो शो होगा, उस पर टाइप करें, मिलते हैं वहीं पे। बाय बाय।